हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं हूं शशि आर शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आरजे लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे क्लास टेंथ ट्रिग्नोमेट्री का एक और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं वह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। आइए देखते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड वाई इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। ओके, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे हम यहां। गिवन में हमारे पास क्या है? गिवन एक्स इज इक्वल टू क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा। वाई इज इक्वल टू गिवन है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, वैल्यू किसकी निकालनी है? एक्स प्लस वाई की। तो हम लिखते हैं यहां x प्लस वाई इज इक्वल टू, x की जगह पर x का वैल्यू लिखेंगे हम 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस y की जगह पर y की वैल्यू लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, अब आप देखेंगे यहां पर ये दोनों टर्म में कॉमन दिख रहा है क्या? 2, तो हम कॉमन ले लेंगे 2। यहां लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर क्या है जी? 1। अब बताइए, हमें एक आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? 1। इस आइडेंटिटी का हम यहां पर यूज करेंगे। तो लिखिए 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1। तो आप लिख दीजिए यहां 1 प्लस क्या हो गया जी? 1 इज इक्वल टू 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 और प्लस 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या? 3। दैट इज योर आंसर। तो साइन x प्लस y का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा? 3 होगा। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।